तो खाने से पहले ही नहाएंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास आयावर में। और आज एक ऐसी लोकेशन पे आए हैं, मेरे गांव के पास में ही है, कई बार आ चुका हूँ, तो बहुत अच्छी लोकेशन थी। तो आज मैं इलाहाबाद, मेरा गांव तो सुहागी में ही है, लेकिन मैं इलाहाबाद से आ जा रहा हूँ। कुछ मेरे दोस्त आ रहे थे, ये इंद्रेश हैं और भी दोस्त हैं पीछे, तो उनको घुमाना था। तो मैं पहले वीडियो नहीं बनाने वाला था, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ का वीडियो बनाया, लेकिन यहाँ इतना अच्छी लोकेशन है कि मैं अपने आप को वीडियो बनाने से रोक नहीं पाया। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। ये देखिए, ये जंगल में है, और लगभग 2 साल पहले मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था, जो कि बारिश में था। पर अभी इतनी ज़्यादा गर्मी शुरू हो रही है, मार्च का महीना लग गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पानी है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। ये सुहागी के पास ही मझगांव जो स्कंद माता धाम है, तो उधर ही ये जंगल पड़ता है, जिसको इधर धोबा बोलते हैं। तो वही ये धोबा का पानी है, आगे झरना है, तो वहाँ से पानी ये बह करके आता है। ये देख सकते हैं दोनों तरफ पहाड़ हैं, और यहाँ बड़े ही घने वृक्ष हैं। ये जंगली जो जामुन होती है, कटजमुनिया बोलते हैं, तो उसके काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं। यहाँ पानी की बात करें तो देखिए, एकदम से क्रिस्टल क्लियर पानी है, और पूरी तरह से फिल्टर पानी है। यहाँ का पानी पिए तो बिल्कुल आरओ जैसा है, और ठंडक भी एकदम फ्रिज जैसी है, कि हमने फ्रिज से पानी निकाल के पिया है। और पानी का स्वाद भी इतना अच्छा है कि बहुत सारा पानी आप पी सकते हैं एक बार में। हाँ, लॉक हाँ, मोबाइल पकड़ो, मोबाइल ले जाओ। तो वहाँ जाना ही क्यों है भाई? ठीक है, ठीक है, आ इधर ही चलो। फिसल रहा है मेरे जूता, ग्रिप नहीं है ना। फिसल नहीं है, टाइट है, उसको पैर मारो दो तीन बार, पकड़ना पड़ेगा, पकड़ उधर उधर चलो, उधर किनारे से। वीडियो बन गया थोड़ा। तो यहाँ पर चलना बड़ा ही मुश्किल भरा है, हम लोग बरसात में आए थे। हाँ, तो अभी तो चलने लायक है, चट्टाने पास पास हैं, तब अधिकतर चट्टाने डूबी रहती हैं जो छोटी हैं। लग गया क्या? क्या हुआ आसमान? तो यहीं पे एक जगह का नाम खटखरी है, वहाँ पर एक झरना है। ये पानी जो है एक ऊंची जगह से गिरता है, तो झरने कि जैसा वहाँ पर बनता है, तो बहुत ही प्यारी जगह है। तो चल रहे हैं हम लोग वहाँ पर, और उससे आगे भी एक झरना है। ये देखिए, इतने घने पेड़ हैं,
अभी थोड़े लाल पीले पड़ गए हैं यहाँ की पत्तियाँ, लेकिन बारिश में जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। अभी भी यहाँ की खूबसूरती कम नहीं है। ये जामुन के पेड़ हैं यहाँ पर, बहुत सारे होते हैं, जंगली जामुन होती है। और भी यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं। अभी टेसू, इसको पलाश बोलते हैं, उसके भी फूल बहुत सारे खिले हुए हैं पीछे तरफ से। उनको लग गया क्या चोट? ये अभी इसी लोकेशन पर हम लोग आने के लिए कितनी मेहनत किए, और देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो हम लोगों ने खाना बनाने के लिए सामान भी लिया था, और यहीं हमें खाना भी बनाना है। तो समतल जगह हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल गई है ऊपर, यहीं पर खाना बनेगा। और रोटियाँ हम लोग साथ मिलाए हैं, तब तक हम झरना यहाँ दिखाते हैं। कैसा लगा यहाँ आकर? चेंजिंग होता है ना, तो अच्छा लगता है। बट एक ही जगह पे आप रेगुलर जाइए नहीं, पर फिर भी एक जगह से, मतलब एक तरह से ये देखा जाए कि पास पास पानी कहीं नहीं मिल रहा हो, गर्मी है। और यहाँ पर आके गर्मी में आप वाटर के साथ चलिए तो आपको अच्छा लगता है, आप वाटर से दूर नहीं जा सकते, ठंडा इतना है। ठंडा में आप ट्रैक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जल्दी आप टायर्ड फील करेंगे। नहीं, फिर भी कहीं सूखा हो, मर पानी ना मिल रहा हो, गर्मी के मौसम हो, इस तरह का पानी मिल जाए जंगल में, तो एक तरह से संजीवनी का काम करेगा। तो बाकी के साथी लोग पीछे रह गए थे, फोटो शूट कर रहे थे, तो वो लोग भी पहुंच गए हैं। ये देखो, हम लोग एक पतली सी चट्टान पे रुके हुए हैं, जहाँ पे पैर टिकाने तक की जगह नहीं है। जूते तुम्हारे पहले भीग चुके, चलते हैं। बैग ले, झोला ले लो, झोला ये जगह समतल है, यहाँ पर हम लोग खाना बनाएंगे। और यहाँ से ये नीचे का व्यू देखिए, थोड़ा पीलापन है। यही बनाए खाना, जब लोकेशन पे पहुँच जाते हैं तो पैर अपने आप एंडिंग मांगते हैं। हाँ ठीक है, चलिए सेटअप बनाइए, फिर यहीं पे स्टे करते हैं। लकड़ी लेने गए, पेड़ उखाड़ने गए। अरे जो भी उखाड़ो, मैं तेरी चड्डी ना दिखाऊंगा। चड्डी में क्या दिक्कत? सच में पेड़ उखाड़ लिए? धरा धरा धरेंद्र, ले आओ। वीडियो बन रही है। हाँ देख लो, वहीं होगा। क्या होना है भैया? भैया ये उसमें डालेंगे, किसमें पूछो? किसमें भैया? समझ गए भैया। हाँ नहाएंगे, पर खाने से पहले टमाटर भी डालेंगे। खाने से पहले ही नहाएंगे। टमाटर काट दो, चक्कू दीजिए। कहाँ नहाया जाए? इसमें नीचे। हाँ वहीं चलेंगे, वहाँ पे।
आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। कहाँ गए इंद्रेश? बहुत गहरा है, वाह, डंडी छोटी पड़ जा रही है, छोटी पड़ जा रही है, नहाने लायक है नहीं यहाँ पे, चट्टान में पैर लगेगा, पैर चल नहीं पाएगा, अरे बाहर नहीं चल पाएगा, बैठ नहीं पाएंगे, खूब चलेगा भाई, तैरेंगे, तैर लेते हो, देखो यहाँ पे पहले, तैर लेते हो, नहीं यार उतना कहाँ चट्टान में तैर पाएंगे, यहाँ हम लोग नहाने वाले हैं, लेकिन गहराई का पता नहीं, चट्टान है, कटिंग वाली चट्टान है ना मेन बात यहाँ पे, हाँ, कट जाएगा, उधर से नहाएंगे ना, भिगा दिए तुम यहाँ पे चट्टान को, चलो बहुत है वहाँ नापा वहाँ पे साल कैसे, तो अभी मैंने इसमें एक गोता लगाया है और यहाँ पर काफी ज्यादा गहराई है, कितनी है ये दिखाओ, कितनी अरे ना दिखाओ भैया, दिखा नहीं सकते इतनी गहराई है, यहाँ इतनी अचानक से पास से ही, यहाँ से लगभग 5 फीट आगे जाने पे अचानक से गहराई 5 फीट से ज्यादा गहराई है, बात करो भैया तुम गहराई ना दिखाओ, ये देखो डर लगा कुछ हो ना सर, पहले डंडा लीजिए, डंडा थोड़ा सा अंदाजा ले लीजिए, हाँ डंडा दो, क्योंकि इसमें ना तैर भी नहीं पाएंगे, वीडियो बनाएंगे आप, आइए आइए ये देखिए और इधर तो मत जाइएगा, इधर जमीन ही नहीं मिलेगी आपको, देखो जलपरा, ये जलपरा देखिए, ये आप ये प्रजाति आपको केवल यहीं दिखेगी, ये जलपरा, ये जलपरा ऐसा जलपरा है, यहाँ तक तो है, यहाँ जल पानी के अंदर डालें क्या डालना अपना पैकेट नहीं लाने क्या, पैकेट रुके हैं पानी पे, वो वाला बनाइए, देखो भाई देखो कौन वाला बना है, मुर्दा वाला, मुर्दा लास डेड बॉडी वाला बनाइए इससे, नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों को एक जलपरा की लाश मिली है, हम लोग जलपरा की खोज में आए थे, लेकिन परी की खोज में आए थे, जलपरा मिल गया, ये जलपरा आपको कभी नहीं मिलेगा, थोड़ा डंडा दीजिए, डंडा नहीं यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पीछा मिलेगा, एक मिनट ये वाली चट्टान पकड़ सकते हैं, ये घूस गया होगा, ये है ये यहाँ पे चेक, ये गाना गा रहा जलपरा बन गया, अरे बाप रे, इसे कुछ पता नहीं चल रहा है, ये इसके आगे नहीं जा सकते, ये हाइट कितनी है, तो ये मैं पैर चला रहा हूँ, आज ये काम किया हो गया, सुस्त हाँ अपना कुछ ये, हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने यहाँ पर नहाया और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था आने में, यहाँ पर लगभग 2:30 बज गए थे, तो यहाँ पर खाना बनाया, उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग नहाए फिर खाना खाए, तो खा चुके हैं और शाम हो रही है, थोड़ा दिन और बचा हुआ है, हल्की हल्की रोशनी है, तो यहाँ से लौटना भी हमें जल्दी पड़ेगा, कार तक जाना है हमें, और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं यहाँ का सीन, ये है और ये एक झरना है, यहाँ हम लोगों ने नहाया है अभी, और ये चूल्हा है जहाँ हम लोगों ने खाना बनाया है, बाकी के लोग आगे चल रहे हैं, चलो उतरते हुए बना, वहाँ जाओ तुम पहले, हम उतरते खुद ही कहें कि डूबते हुए इंसान कोई बचा नहीं सकता, फिर कहें फिर खुद कहते मैं बचा लूँगा, दूर से बचा सकते, अरे मैं चला जाऊंगा भाई, हाँ आ जाओ, हाँ
भाई ढकेल दें क्या इसको? चलो हेल्प से ढकेल दें धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ वहाँ जाओ आ जाओ अब तुम भी आयुष्मान खुराना ही बनोगे। तुम क्या सोचते हमको बोल रहे हैं? चलो अंधेरा हो जाएगा, चलो निकलते हैं। बाज था ना चांद भी दिखा दिया वो सामने। तो यहाँ पर काफी ज्यादा पक्षियों की कुछ चहचहाहट सुनाई दे रही है। अभी हमने एक बाज भी देखा था, पेड़ के ऊपर डाल पे बैठा हुआ था और आवाज सुन करके वो यहाँ से भाग गया। और कई सारे पक्षी शाम होते ही जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो अपने अपने घरों में लौट आते हैं। और यहाँ पर पानी का जो कल कल की मधुर ध्वनि आ रही है तो यहाँ का वातावरण जो है बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और शाम होने वाली है, बिल्कुल दिन डूब चुका है, थोड़ा थोड़ी थोड़ी रोशनी है तो उसी के सहारे हम पहुंच जाएंगे अपनी। यहाँ के जंगलों में भारी मात्रा में पलाश के पेड़ भी पाए जाते हैं, इन्हें टेसू के फूल भी कहा जाता है। ये इतने सुंदर फूल होते हैं कि इन पर कई साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। और इन जो ये फूल है गुलाबी कलर लाल कलर के, तो इनसे हर्बल रंग भी बनते हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं इन पे खाने जो शादियाँ होती हैं तो इन पर खाना काफ़ी शुभ माना जाता है, जो कि प्राचीन काल से परंपरा रही आई है। आज भी हम शहरों में जाते हैं, पत्तल जो दोने बनते हैं, चाट खाते हैं या फिर कुछ चीज़ें, तो वो पत्तल जो हैं इसी के पत्तों से बनते हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है और अभी हम लोग जंगल से भी नहीं निकल पाए हैं। तो दोस्तों अंधेरा होने को है और हम लोग अभी जंगल से निकल नहीं पाए हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहे हैं और गाड़ी की ओर जाते हैं। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।